लिए बात भी करूँगा और गौहर खान साहब की उर्दू जो है ना जी, वो ज़रा ज़रा उसकी भी थोड़ी सी तशरीह कर सकूँगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जहाँ तक उन्होंने तरमीमी बिल और फिर उसके अंदर तरामीम, उसके लिए जमीयत उलमाए इस्लाम के किरदार को सराहा है और जिस हतमी नतीजे पे हम पहुँचे हैं, अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ्फुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तेफाक किया है, मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी पीटीआई से मुलाकात की और जो हालत अज़ार उन्होंने हमें बताई और फिर उनके मुजाहरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक बनता है। लेकिन चूँकि बुनियादी मसौदे पर इख्तलाफ नहीं है और ज़ाहिर है जी कि एक लंबा अरसा हमने नुमाइश के लिए तो नहीं गुजारा, आपने भी यहाँ एक महीना गुजारा हमारे साथ, आपने भी रात 3-3 बजे तक यहाँ पर हमें कवर किया है और ये सारी चीज़ें एक संजीदा अमल है। आईने पाकिस्तान बना है, आईने पाकिस्तान उस माहौल में बना है जब बलूचिस्तान असम्बली तोड़ दी गई थी, जब मेरे वालिद साहब ने सुबह सरहद की असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था, उसकी वजारत उलिया से इस्तीफ़ा दिया था, उस माहौल में भी मिलकर आईन बनाया गया, इख्तलाफ़ राय फिर भी बरकरार रहा लेकिन आईन बन गया। 18वीं तरमीम भी जो हमने पास की है तो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठी रही, हर चंद के ताल्लुकात में शिद्दत भी थी, इख्तलाफ राय भी थे, लेकिन फिर भी उसे एक संजीदा कार्रवाई समझ कर, क्योंकि आईन जो है वो कौम का होता है, वो हिजब इख्तलाफ के लिए भी होता है, वो हिजब इक्तदार के लिए भी होता है, तो हमने मिलकर एक मेहनत की है, एक कोशिश की है, लेकिन एक पार्टी की अपनी एक मखसूस पोजीशन होती है, उस पे हम किसी पार्टी पे जबर नहीं कर सकते। वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अगर इससे बायकाट का फैसला किया है तो मैं समझता हूँ कि वो हक पर है और इसमें वो एक जायज़ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि एक इतफाक़ राय मुल्की सतह पर हो रहा है, हमने जो उनका बिल मुस्तरद किया था वो बिल अब नहीं रहा है, उससे सब कुछ निकाल दिया गया है और अगर कोई छोटा मोटा कोई तहफ़ रह गया है तो उस पर भी हम अपने अमेंडमेंट्स देंगे। अभी भी मुफाहमत का वक्त है, बिल पेश नहीं हुआ, हम मुफाहमत की भी कोशिश करेंगे, नहीं हो सका तो हम उस पर तरामीम भी देंगे और तरामीम भी इंशाल्लाह हम इत्तेफाक़ राय के साथ देंगे।